हेलो एवरीवन, आज मैं इस वीडियो में आपको जो है प्रोवाइड करने वाला हूँ क्लास 10th की जो आपकी साइंस की बुक है उस बुक में चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी, उसके जो है आपको जो है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस जो है प्रोवाइड करने वाला हूँ। ये जो है फिजिक्स का चैप्टर जो आपको टर्म टू में आने वाला है, तो उसके आप जो है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं सारे, तो आप वीडियो को पॉज करके जो है सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस जो है अपने लिख सकते हैं, और आप जो है अपने आप ट्राई करेंगे तो उससे अच्छी बात ही नहीं है। इनसे आप जो है हिंट्स की तरह जो है इनको यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो है इनको ही जो है आप लिख लीजिएगा। तो ये मैं आराम आराम से जो है नीचे कर रहा हूँ, और तो आप जो है सारे क्वेश्चंस जो है लिख लीजिएगा। पेज वाइज क्वेश्चंस जो आप लिख लीजिएगा, जैसे क्वेश्चन 1 2 3 है, ये आपका किस पेज पे है, तो वो उस तरीके से आप जो है लिख लीजिएगा सारे आंसर्स को, आपको पता होगा। तो आप जो है सारे जो है आंसर्स लिख लीजिएगा इसी तरह वीडियो को पॉज करके। तो ये जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट भी होते हैं, बोर्ड में एज इट इज़ आ भी सकते हैं, कुछ वैसे चांसेस कम है बट आ सकते हैं, और ना भी आए इनसे आपको जो है प्रैक्टिस हो जाएगी किस तरह के क्वेश्चन जो है बोर्ड में आ सकते हैं। तो आप जो है इन क्वेश्चंस को जो है ज़रूर ट्राई करके जाइएगा, और कुछ क्वेश्चंस तो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही होते हैं। मैं आपके आपके लिए एक वीडियो भी लाऊंगा, एक मेरा दूसरा चैनल है, तो उस चैनल को मैं आपको जो है लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसमें जो मैं आपके लिए वीडियोज़ वीडियो स्ट्रेटजी वगैरह की वीडियोस, और मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ऐसी ऐसी वीडियोस जो है लाऊंगा, और इस चैनल पे मैं आपको जो है एक्सप्लेनेशन दूंगा हर एक चैप्टर की। तो आप जो है उस चैनल को भी जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आप ये जो है सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो है लिख सकते हैं। तो आप देख लीजिए सारे जो है ये एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं, वीडियो को पॉज करके आप जो है लिख लीजिएगा। तो आप देख लीजिए सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, और जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको जो है ज़रूर करके जाइएगा। उसमें जो है थोड़े हाई लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, उनसे जो है वो ज़्यादा अच्छी जो है प्रैक्टिस उसमें जो है हो जाती है, जैसे न्यूमेरिकल्स ज़्यादातर दिए हुए हैं तो उनसे जो है आपकी और ज़्यादा जो है प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप ये सारे लिख लीजिएगा, जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इसके क्वेश्चंस भी बोर्ड में आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, और जो है आर इज इक्वल टू रो एल बाई मी ए, ये वाला फॉर्मूला है, इसके बेस्ड भी क्वेश्चन जो है आते हैं, इसमें जो है बच्चे जो है मिस्टेक्स भी करते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को जो है ज़रूर ध्यान से कीजिएगा बिल्कुल। तो सारे जो है क्वेश्चंस हैं आप इनको लिख लीजिए। लिख लीजिए आप इन सारे क्वेश्चंस को एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। बस एंड या एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो है होने वाले हैं खत्म, तो आप जो है सारे जो है लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ के आप क्वेश्चन आर इज इक्वल टू रो एल बाय में ए वाले फॉर्मूला से, तो इसमें जो आप जो है ज़रूर ट्राई कीजिएगा ऐसे क्वेश्चंस को, रेजिस्टिविटी वाले क्वेश्चंस क्या ये, तो इनको ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए, और ये वी आई ग्राफ जो है ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, मैं आपके लिए वैसे एक सेपरेट जो है वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, जो है मेरा सेकेंड चैनल है जो उस पर। आप ये जो है क्वेश्चंस बस हो ही गए हैं, तो आप इनको जो है सारे अपने नोटबुक्स में लिख लीजिएगा। तो ये बस जो है ख़त्म जो है आपके हो गए हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके दूसरे चैनल का लिंक दूंगा उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो ये जो हमारे सारे एनसीईआरटी जो है सॉल्यूशंस कंप्लीट हो गया, टोटल जो है 18 क्वेश्चन ही थे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।